मैं चाहता हूं ये वाला लाइन यहां से उठ के यहां बीच में आ जाए। मैं क्या यूज करूंगा? सेलेक्ट करके ऊपर जो अलाइनमेंट वाला है उसमें सेंटर वाले में आ जाएगी, सेंटर वाला को क्लिक कर दे। क्या मैं अलाइनमेंट बिना सेलेक्ट किए हुए कर सकता हूं? तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट करने के लिए आप बिना सेलेक्ट किए हुए भी कर सकते हैं। एक बार इसको यहां पे पॉइंटर है सर, कहां कौन सा वाला करें सर आप? बीच वाला, बीच वाला, ये वाला ना, ना इधर इधर ये वाला क्लिक करने पर है सेलेक्ट, बीच में आ गया ना जहां तक सब। इसको क्या बोल देंगे, क्या कहते हैं इसको? सेंटर लाइन, सेंटर लाइन। आप अपना पॉइंटर लेके देखिए वहां पे क्या लिख के आया है और उसके शॉर्टकट कमांड क्या होते हैं। कंट्रोल ई, कंट्रोल का सी, मतलब कि गाड़ी के पहिए को सेट करना है आपने तो शॉर्टकट कमांड के द्वारा भी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल ई सेंटर में लाएंगे तो किसके द्वारा? कंट्रोल ई। अब बाकी का तीन जो ऑप्शन है इसमें, ये लेफ्ट, इसका एक और तरीका राइट और जस्टिफिकेशन, मतलब रफ स्पेस, मतलब रफ स्पेस की सेंटर में ले आएंगे अगर आप कर्सर को उधर ले ले और स्पेस बार से सेंटर में। हां मैं ये बताने वाला हूं, आप दो तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। स्पेस वाला हर में नहीं काम करता, स्पेस सर स्पेस वाला टाइम वेस्ट होगा। हां टाइम वेस्ट होगा, नहीं कर सकते टाइम से भी कर सकते हैं आप। एक चाइल्ड का सोचो ना, वो करेंगे सर, सर ये क्यों करेंगे, हम तो स्पेस से कर ले रहे हैं ताकि वो बार बार स्पेस का यूज कर रहे हैं। टाइम से तो दो बार नहीं है, और ये दो लेवल पे अगर वो खुद से आंसर करें उस चीज को देखना है। आइडिया देखो ना क्या क्या आइडिया आ रहा है, पहले ये सब आइडिया नहीं आते थे। प्रोग्रेस तो देखो, क्या आपने ये बाकी के तीन ऑप्शन का उपयोग करके देख लिया एक एक लाइनों पे? पहला आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आता है, सेलेक्ट होके, तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब जब भी आप टाइप करोगे आपका टाइप कहां से शुरू होगा? लेफ्ट से, जो हिंदी के नोटबुक में हम लिखना शुरू करते हैं। अगर ये वाला सेलेक्ट है और टाइप करना शुरू करते हैं तो कहां से टाइप होगा? क्या सर? अगर ये सेलेक्ट है, हाँ सर, बीच में से। अब मैं टाइप करूंगा तो कहां से होगा? बीच में। अगर ये सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट करो जाना एक न्यू लाइन में जाके राइट साइड। अब मैं टाइप करूंगा तो क्या होगा? राइट साइड, ये वर्ड इधर जाएगा, ये वर्ड इधर आएगा, पीछे तरफ, वो पीछे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। अगर ये सारे चीजें हमने चेंजेस कर लिए, मैं चाहता हूं ना मेरा जो डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट है वो सारा सीक्वेंस में आ जाए, उसके लिए शॉर्टकट कमांड का उपयोग क्या होगा? कंट्रोल प्लस। ये सारा ठीक करने के लिए कंट्रोल प्लस से, जैसे ये बीच में है, ये यहां पे है, ये लेफ्ट में है, अब मैं चाहता हूं ये सारा सीक्वेंस में आ जाए, मतलब लेफ्ट में ना आए, इधर नहीं रखना है, सारा चार तरफ से बराबर हो जाए। जस्टिफाई, जैसे नोटों का बंडल बनाते हैं नंबर, वैसे जस्टिफाई, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या होगा? कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, जे प्रेस करना जाना। हो गया ये, तो आपने अपने मन से ही फॉर्मेटिंग किया, अलाइनमेंट सर ने बताया, बाकी आप लोगों ने कैच कर लिया। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन मेरा सही है ना? सही, क्वेश्चन सही है। अलाइनमेंट क्या होता है? अभी आपने जो किया लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये क्या था? अलाइनमेंट। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कौन से शॉर्टकट कमांड का उपयोग करेंगे? इसके लिए पहला वाला पॉइंटर लेके जाके देखिए वहां पे क्या आ रहा है और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इन सब चीजों को। कंट्रोल प्लस एल। जस्टिफाई के लिए सर कौन सा कमांड यूज करेंगे?
कंट्रोल जे कंट्रोल प्लस जे ये एक्चुअली बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम इजीली याद रख सकते हैं जैसे जस्टिफाई को जस्टिफाई हां सेंड को ले लिया लेफ्ट राइट कुछ वर्ड सेंटर को ई दिया था वो नहीं सेंटर वाले पे ई दिया हां बीच में बाकी कुछ वर्ड हां बाकी जनरली जो रिलेटेड ही है सब रिलेटेड पहला हो कंप्लीट हो गया बोल्ड के बाद यहां तक अब आपने ये चेंजेस किए होंगे इससे क्या होता है ए लिखा हुआ है हां कलर कलर चेंज हुआ वर्ड का किसका वर्ड का वर्ड कैसे करेंगे अगर मान लीजिए मुझे इस वाले लाइन पे कलर चेंज करना है मैं क्या करूंगा इसके लिए पहले सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट करो जाना उसके बाद पॉइंटर को कर्सर को कहां पे लेके आऊंगा फॉन्ट कलर ये जो ए लिखा हुआ है इसका नाम क्या है फॉन्ट कलर उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा इस बॉक्स के अंदर जो भी कलर चाहिए मैं ले लूंगा वो कलर ले चलो सेलेक्ट करो इसको ये हो गया किसका कलर चेंज हुआ वर्ड टेक्स्ट का वर्ड का जैसे ए बी सी डी है उस वर्ड का दूसरे लाइन को सेलेक्ट करो थैंक्स वापस आ गए दूसरे लाइन को सेलेक्ट करो दूसरे लाइन को सेलेक्ट करो अब ए बी पे क्लिक करो ए बी से क्या होता है अभी मैं ये तीनों का डिफरेंस पूछूंगा आप लोगों से ए बी पे क्लिक करो तीसरे लाइन को सेलेक्ट करो इसका दूसरा कलर दो इसको ठीक है तीन चीज है सामने तीनों का कौन एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ किससे किससे क्या होगा तीनों में डिफरेंस क्या है हाँ बताओ पहला वाला हाँ कौन कलर है खाली वर्ड का कलर चेंज हुआ सही है आंसर सही है इससे क्या हुआ खाली वर्ड चेंज हुआ जो शब्द हैं जो सी है ओ है उनके कलर चेंज हो गए ठीक है दूसरा हाईलाइट होता है क्या चीज जितना लिखा हुआ है जहां तक आपका टेक्स्ट का जो फैलता जाएगा कर्सर का वो वहां तक जाएगा उसके पीछे का कलर चेंज करेगा उसके वर्ड का नहीं पीछे का और उसके बाद आता है तीसरा तीसरे में क्या होगा उसके बैकग्राउंड मतलब कि जहां से आपका कर्सर स्टार्ट हुआ है और जहां तक खत्म हुआ है वहां तक उसको कलर चेंज कर देगा तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया फॉन्ट कलर से क्या हुआ विजिबल बटन विजिबल बटन उसमें से उसे नीचे नीचे किसी को हटा दो इसमें से ये इंग्रेड डिस्प्ले डिक्रीज को हटा दो ये इंग्रेड डिक्रीज इंटेंट है नहीं है उनको हटा दो नीचे 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 उनको हटा दो भाई तो को हटा इसको ले लो वो विजुअल वाले में जाके हटा दो दो तीन को हटा दो और लेफ्ट को हटा दो ठीक है
क्लियर है सबको इन तीनों का डिफरेंस? अब इनका बता दो या नहीं दो? ये चार ऑप्शन बच्चे पूछते हैं कि हमारा कलर कौन सा होता है फॉन्ट के अंदर, मेन कलर एक होता है, उनको पूछते रहते हैं ब्लैक कलर। हाँ ब्लैक कलर तो बोलते नहीं, उसको हम कुछ और नाम देते हैं। अच्छा एक चीज और, आप जब कंप्यूटर में जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो अभी सर के सिस्टम में नहीं आ रहा था, ठीक है? जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, किसी किसी सिस्टम में आपको सिर्फ फॉन्ट कलर ही दिखेगा फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर, सिर्फ फॉन्ट है और बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा, और इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा बैकग्राउंड कलर, करीब वही कारण है जो बोल रहा। तो आपको क्या करना होगा उसको लाने के लिए, फॉर्मेटिंग टूल बार के इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्लिक करो यहाँ, उसके बाद विजिबल बटन हटा देता हूँ, फिर यहाँ से आपको ये हट गया, देख लो जो कस्टमाइज करना मैंने बोला था ना कि आप हटा सकते हो रख सकते हो वो यहाँ